एवरीवन वेलकम टू ऑल, स्वागत है आप सभी का। तो बेटा बिल्कुल सभी लोग जुड़ो और फटाफट फटाफट अपनी प्रैक्टिस देख लो कितनी है आपकी प्रैक्टिस, ठीक है। तो बिल्कुल जीके जीएस का ये सीरीज नंबर 10 है और अगर आपके पास टाइम हो तो एक बार उठाएं और सारी चीजें एक बार रिवाइज करके ही जाएं, ठीक है, पेपर से पहले। चलिए बिल्कुल सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस क्लास में। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, अपने क्वेश्चन को आगे करते हैं। चलो बिल्कुल भैया, चाहे कोई पेपर दे लो, क्वेश्चन यहीं से आएंगे और कल वाले पेपर में तो बेटा 100% आने हैं क्वेश्चन, ठीक है। आइए चलिए, सुशांत सर टेस्ट बुक, ये बिल्कुल आप टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से जुड़िए, पीडीएफ क्विज़, ये सारी चीजें आपको मिल सकती हैं। बिल्कुल राधे राधे भैया, मस्त रहो। सीडीएस सीएपीएफ एफ कैट बिल्कुल आप यहाँ जुड़ सकते हो हमारे साथ, ठीक है। मॉक टेस्ट स्टडी नोट से सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है। 11,000 से ज्यादा सिलेक्शंस भी आपके मिल चुके हैं और खासकर अकेले आपके एफ कैट में अभी इस बार 100 से ज्यादा सिलेक्शंस आपके हुए हैं, ठीक है। बिल्कुल सुशांत कोड का यूज कर सकते हैं आप, 6,665 रुपए में आपको ये कोर्स मिल रहा है। तो बिल्कुल आप ये जुड़े और खासी आपको 24 महीने का सब्सक्रिप्शन के साथ और 35% डिस्काउंट के साथ। आइए बताइए, अद्दा और बिक नामक सिक्के किसने जारी किए थे, बताइए भैया। अद्दा एवं बिल्कुल आशीष, मस्त रहो, मजे में रहो, खुश रहो एकदम, ठीक है, अच्छे से पेपर दो, बताइए बताइएगा। बताओ सभी लोग बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कौन हमारे होनहार बच्चा कौन सही दे रहा जवाब। चलिए बिल्कुल ये ध्यान दीजिएगा, अद्दा और बिक की बात अगर करेंगे तो ये फिरोज शाह तुगलक थे, और फिरोज शाह तुगलक को आपको पता है ये किसके थे, ये आपके किसके हुआ करते थे सर, ये आपके तांबे और कांसे के हुआ करते थे, ये आपके तांबे एवं, ठीक है, और कांसे के हुआ करते थे, ठीक है। आइए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है, ठीक है, विच ऑफ प्लेसेस रिसीव द लीस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल, बताइए सबसे किस जगह सबसे कम रेनफॉल होती है। चलिए सभी लोग बताइएगा कौन सी जगह थी, सभी लोग इसका जवाब दीजिए, कुछ खतरनाक बिल्कुल इंद्रजीत होके, आइए सभी लोग जवाब देना इसका। चलो बताओ, ठीक है इंद्रजीत, देखते हैं भाई क्या जवाब दे रहे हो, ओके सी दे रहे हैं, ठीक है। आइए बिल्कुल सर, मालवा का पठार है सर, मालवा का पठार है। आइए, भारत में सोलास वन कहाँ पाए जाते हैं, वेयर आर सोलास फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया, बताइए नीलगिरी पहाड़ियों पर, अन्नामलाई पहाड़ियों पर, पलानी पहाड़ियों पर या उपयुक्त सभी पर। बिल्कुल पूनम, जय हिंद, बताइए भारत में सोलास वन कहाँ पाए जाते हैं। सभी लोग सेशन पर लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। चलो ये जो आज आपके क्वेश्चन है ना, ये आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है और इनको पढ़िए। आज मैं एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दूंगा, वो इसलिए कि आप बेटा सिर्फ पेपर के लिए अभी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि आपको बाकी मैंने जो 3 सेट ये कराए थे एक्सप्लेनेशन वहां दिए थे, आज आप सिर्फ क्वेश्चन करिए, ज्यादा आपके दिमाग में चीजें नहीं डालनी है, नहीं तो आप हौच पौच हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। आइए सर, ये उपयुक्त सभी पर, और कहाँ पे सर सोलास फॉरेस्ट, कहाँ पे सर नीलगिरी पहाड़ियों पर, अन्नामलाई पहाड़ियों पर, पलानी पहाड़ियों पर, ठीक है। बिल्कुल प्रशांत, बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से किसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी संग्रहित है, बताइए इनमें से किसमें, बिल्कुल पुनीत गुड इवनिंग, किसमें बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी उल्लिखित है, ये बताइए बताइए। एक्सकेवेटर बॉडी, पोस्टीरियर बॉडी, ज्वाइंट बॉडी या लॉन्ग बॉडी, बताओ। बताओ भाई किसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी जो है आपकी संग्रहित है, बताओ।
बिल्कुल नवनीत बेटा नमस्कार। आइए सर, ये खुद्दक निकाय जो होता है उसमें सर आपका ये उल्लेखित है, ठीक है, एक्सकेवेटर बॉडी में, ठीक है। आइए, ना ना ना, पोस्टीरियर निकाय में, अंगुत्तर निकाय में नहीं बेटा, खुद्दक निकाय में दिया गया ये, ठीक है। चलिए, काफी लोगों ने गलत किया। किसके शासन काल में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तक की रचना की गई? ड्यूरिंग हुज टाइम द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स ऑन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक वर्क कंपोज्ड? किसके शासन काल में, ये बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए जवाब दीजिएगा सभी। बताइए, किसके शासन काल में, बताइए। चलिए, बिल्कुल सर, ये औरंगजेब के शासनकाल में ये चीजें हुई थी। आपको पता है, औरंगजेब ने अपने शासनकाल में जो राज दरबार से बहिष्कृत कर लिया गया था, किसको? औरंगजेब की। एक और बात है बेटा, औरंगजेब ने गायकों को अपने दरबार से, राज दरबार से बहिष्कृत कर दिया गया था, बताइए। लेकिन वाद्य यंत्रों पर कोई रोक नहीं लगाई थी, समझ रहे हो मतलब कितना खतरनाक। आइए, राज दरबार से जो गायकों को बहिष्कृत किया गया था, लेकिन वाद्य यंत्रों पर इसने कोई भी रोक नहीं लगाई थी, और एक ये खुद कुशल वीणा वादक भी था। आपको पता है ना, ये खुद एक कुशल वीणा वादक भी था। चलिए, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? कौन था जिन्होंने ये स्थापना की थी, ये बताइएगा। चलिए, बिल्कुल सभी लोग, सुनीता गुड इवनिंग, सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए सभी लोग। सुहान एंड अमित, वेरी गुड। जायस, सोच समझ के, जायस कहीं तुम गलत दे रहे हो, फिर से सोच समझ के जवाब दो। प्रशांत, सोच समझ के फिर भी तुम जवाब दो। आइए सर, ये महात्मा गांधी थे, और आपको पता है 1918 की ये बातें, ठीक है। ये मुझे पता है, काफी लोग वाडिया के साथ गए हैं, लेकिन पूनम ए दी है, सुनीता ए दी है, वेरी गुड। आइए चल, निम्न में से कौन सी एक नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फॉल इन टू द बे ऑफ बंगाल? स्वर्ण रेखा रिवर, कृष्णा रिवर, वैगई रिवर या जुआरी रिवर? बताइए कौन सी एक नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, ये बताइएगा। आइए सोचिएगा, बंगाल की खाड़ी में जो नहीं गिरती है, ये आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत, बताओ बताइए। चलिए, बिल्कुल सर, ये आपकी जुआरी नदी, और आपको पता है सर, ये अरब सागर में गिरती है, ठीक है। कहाँ पे गिरती है? अरब सागर में गिरती है। और यही नहीं सर, अभी और देखिए, ऐसे सुनते हो ना भाई, यही नहीं, अभी और देखिए। अब इसमें क्या होता है, ये भैया आपके गोवा की, ठीक है, गोवा की सबसे बड़ी, भाई गोवा की सबसे बड़ी है ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और वैगई नदी क्या है? तमिलनाडु राज्य में प्रवाहित होने वाली एक क्या सर, पाक जल संधि में मिलती है, ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, बिल्कुल, एकांकागुआ निम्न में से किस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है? आइए, बिल्कुल सुनीता, मैंने बता तो दिया बेटा, गोवा की सबसे बड़ी नदी है वो, ठीक है। आइए भाई, सभी लोग जवाब दिया करो, ठीक है, सभी लोग जवाब दिया करो। जैसे क्या कहते हैं, वो कहा जाता है ना, जैसे जिंदा लाश जैसे मत बैठा करो क्लास में, ठीक है, क्लास में रहा करो तो एक्टिव रहा करो। आइए सर, ये आपके एंडीज माउंटेन, एंडीज माउंटेन कहाँ है बेटा? ये आपके साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में सर, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम स्त्री साक्षरता दर पाई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट? बताइए, लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बताइए, ठीक है। देखते हैं भाई सभी का आया जवाब, क्या बात है।
बिल्कुल सर, ये आपका राजस्थान है। लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट की अगर आपसे बात की जाएगी तो वो हमेशा आपका राजस्थान का ही नंबर इसमें गिना जाएगा। ठीक है, कितनी है सर? 52% है मात्र सर। कितनी सर? 52.1% ये आपका है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें ना कि जबकि आपको पता है भारतीय राज्यों में बिहार की साक्षरता दर जानते हो सबसे कम, अगर ओवरऑल देखा जाए तो बिहार की सबसे कम है, बिहार की सबसे कम। ठीक है, कितनी है सर? आपका 51.5% अगर ओवरऑल में देखी जाए तो। ठीक है, आइए, शिल्प वेद किस वेद का उपवेद है? क्या ना, क्या बात है भाई, क्वेश्चन देख लो। शिल्प वेद किस वेद का उपवेद है बताए भाई, बताइए। चल बिल्कुल, अगर आपसे कुछ पूछा जाए सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद। ठीक है, ऋग्वेद का उपवेद क्या है सर? आयुर्वेद। लेकिन अगर आपसे पूछा गया है, ठीक है आइए, अगर आपसे पूछा गया यजुर्वेद का उपवेद क्या है सर? ये धनुर्वेद। बचा क्या सर? शिल्प वेद किसका है? अरे सर बहुत आसान है, शिल्प वेद किसका बचा फिर सर? अथर्व वेद का बचा। शिल्प वेद किसका बचा सर? अथर्व वेद का बचा। ठीक है, आर जे, बिल्कुल आइए, चलिए बिल्कुल किसका? अथर्व वेद। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, अथर्व वेद है। ठीक है, शिल्प वेद आप याद रखना अथर्व वेद, बाकी साम वेद का गंधर्व वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, ऋग्वेद का आयुर्वेद। आइए चल, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों, ठीक है, में से एक जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में रखा गया था? बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में रखा गया था? ये बताइए, आगा खां पैलेस, बंकीपुर जेल, ठीक है, या आपके अहमदाबाद जेल, या ननावतीस, बताओ बताओ। बिल्कुल कमलेश, गुड इवनिंग, सोच समझ के बताइएगा, ठीक है, गलत नहीं देना है। चलिए बिल्कुल सर, ये अहमदनगर जेल में रखा गया था। तो किस, कोई सही दिया है? सिर्फ पूनम ने सही दिया है, कल आप बताए नहीं सर जी, पुनीत। अच्छा, कोर्स के लिए कोई नहीं बेटा, अभी तो ऑफर भी चल रहा है, अभी तो आप जो है ना, अभी तो कुछ नहीं, अभी आपको ये कोड यूज करना है, ठीक है, ये कोड यूज करना है और आप ले सकते हो। आई थिंक, मुझे लगता है कि 2400 या 2300 में आपका कोर्स पड़ जाएगा। ठीक है, आइए, निम्नलिखित घटनाओं को क्रमानुक्रम क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पूना पैक्ट, इंडिविजुअल सत्याग्रह, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी इर्विन पैक्ट। ठीक है, राज अमन सोनी, गुड इवनिंग। अच्छा चलो बेटा, वैसे तुम डेली तो क्लास में आते ही हो कि तुम्हें याद रखा गया है, ठीक है, तुम तो डेली क्लास में आते हो बेटा ना। आइए चलिए, व्यवस्थित क्रम में इनको थोड़ा सा लगाइए। अच्छा क्वेश्चन है और ये एक नंबर यहाँ से पक्के हैं, ये इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, कंफर्म। पूना पैक्ट 32, पूना पैक्ट आपका 32 है। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे वाला 1940। ठीक है, तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था भाई? सर ये 1932 में ये भी हुआ था, लेकिन कब सर? ये नवंबर का दिन है और ये सर सितंबर की दिन। ठीक है, गांधी इरविन सर 1931, इसमें तो सोचना ही नहीं। अब इसको आप थोड़ा मिला लीजिए और आपको देखने को ये मिलेगा, तो सबसे पहले 4 आता है, फिर 1 आता है, फिर 3 आता है, फिर 2 आता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही चला गया। ठीक है, आइए, भारत में रेलवे की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय की गई थी? बताना है, रेलवे वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच गवर्नर जनरल, बताइएगा। चलिए सभी लोग बताइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको पता है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ये कहाँ से इनका नाम था पहली ट्रेन का? डेक्कन क्वीन, डेक्कन क्वीन मुंबई टू थाने। ठीक है, चलिए राज बेटा, ये चाहे आप छोटा सा छोटा पेपर दे लो, चाहे बड़ा से बड़ा पेपर दे लो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। We love you, sir. This is for you. अरे बिल्कुल लव है बेटा, बस आप सभी का प्यार है बेटा। ठीक है, आइए, बिल्कुल सर, लॉर्ड डलहौजी, ट्रेन का नाम था डेक्कन क्वीन। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1853 की ये बात है। ठीक है, आइए चलिए,
हाथी गुंफा अभिलेख किस धर्म से संबंधित है? हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू, बताइए विच रिलीजन, बताओ। हाथी गुंफा अभिलेख काफी प्यारा क्वेश्चन है, और अभिलेख से तो एक क्वेश्चन आपके पेपर में पक्का है, मतलब एक क्वेश्चन आना ही आना है, बिल्कुल फाइनल है। आइए चलिए, आपको पता बेटा ये जैन धर्म का ना प्राचीनतम साक्ष्य है, ये प्राचीनतम साक्ष्य है, ये ठीक है, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्राचीनतम साक्ष्य है, ठीक है। चल सर ये जैन, अच्छा आपको ये पता है ना, ये बिल्कुल खारवेल के बारे में उल्लेख यहाँ पे मिलता है, सभी को पता होगा, कलिंग के राजा खारवेल का उल्लेख भी मिलता है, ये भी आप लिख लो भाई, क्या पता आपके पेपर में आ जाए, कलिंग के राजा खारवेल का यहाँ पे उल्लेख मिलता है, ठीक है। आइए, गांधी जी द्वारा अंग्रेजों किस प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहकर अस्वीकार कर दिए थे, बताइए। गांधी जी द्वारा कौन सा ऐसा था जिसे उन्होंने मतलब स्वीकार नहीं किया था, ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक कहकर अस्वीकार कर दिया था, ठीक है, और मैं हिंट भी दे सकता हूँ, 1942 की बात है, अब बताइए 1942 की बात है, सभी का मैं जवाब देखना चाहता हूँ, ठीक है, सभी का जवाब तो अभी तक तो नहीं आ रहा है, काफी धीरे धीरे आ रहा है, चलिए अब आना शुरू हुआ, ठीक है, ओके ओके, सुशील वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छे, 1942 की बात है, सभी का जवाब आ रहा है, सुनीता, प्रशांत, जयस, कमलेश, अभय, ठीक है, एंड पूनम, बिल्कुल बहुत अच्छे, आइए, बिल्कुल मनीषा हेलो, आइए, क्रिस्प प्रपोजल सर 1942 पोस्ट डेटेड चेक। म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है, बताइए। हाथी गुंफा, अरे हाथी गुंफा वाला क्वेश्चन हुआ कि नहीं, काफी पीछे चल रहा है यार हमारा वीडियो। आइए, म्यांमार डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ, किसके साथ सीमा साझा नहीं करता, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर या त्रिपुरा, बताइए। सेशन को सभी लोग अच्छा लगे तो लाइक करो, ठीक है, और राज बेटा ये सभी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी आपको भविष्य में देने हैं, ठीक है, अगर तैयारी आपको करनी है तो भाई इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, ठीक है, बिल्कुल सर। अगर हम बात करें सर त्रिपुरा के साथ, देखो सर ये शेयर नहीं करता, ठीक है, त्रिपुरा के साथ ये सर शेयर नहीं करता है, ठीक है, आई हुई तो वैसे ही बता लोगे, समझदार हो। ये थे सूची और स्कोर, ये एक क्वेश्चन आना है आपको, देश और राजधानी से एक क्वेश्चन आने हैं, तो अगर आप रिवाइज कर सकते हैं तो रात भर बैठ के रिवाइज भी कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक से एक बार देख के जाना, ठीक है। आइए, बहरीन, कतर, यमन या सीरिया, ठीक है, ये बताना है आपका, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, आइए देखते हैं। देखो भैया, कतर का तो सभी को पता है, आंख बंद करके दोगे सर, कतर का दोहा होता है, ये तो सोचना ही नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें बहरीन का, सर आपको कौन सा होता है, मनामा, ठीक है। चलिए, अगर हम बोले यमन का, यमन का क्या होता है सर, सर साना होता है, और सीरिया का सर दमस्कस होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। चलिए, बांग्लादेश से जुड़ा है और एक तरफ से भारत से जुड़ा है। आइए, भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है, बताइए भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है कौन है, पेमा खांडू, हिमंता विश्वास शर्मा, ठीक है, या कोनराज संगमा या एन बीरेन सिंह, कौन है बताओ बेटा, बताओ बेटा, जबरदस्त तरीके से बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और एक ये करंट का क्वेश्चन है, और स्टैटिक में भी इसको पूछा जाता है। चलिए बताइए, बिल्कुल सर पेमा खांडू है आपके, कौन है सर, पेमा खांडू है, आपको पता है 2016 से अरुणाचल प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री यही बन रहे, आपको पता है 2016 से सबसे युवा, क्या कहते हैं, सबसे युवा कह सकते हैं मुख्यमंत्री यही है आपके, ठीक है। आइए, वर्तमान में कितने राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था विद्यमान है, बताइए, एट प्रेजेंट हाउ मेनी स्टेट्स हैव द आपका बाई कैमरल सिस्टम, बताइए कितने राज्यों में विद्यमान है, ये बताना है आपको। देखो इसमें आप ये ध्यान रखिएगा, आपके राज्य पूछा है तो जम्मू कश्मीर नहीं जाएगा, पहले मैं बता दे रहा हूँ, बाद में ये मत कहना कि सर आप नहीं बताए। आइए देखो, यूपी, बिहार, ठीक है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, ठीक है,
आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, ये इतना याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कितने हो गए सर? ये आपके टोटल 6 हो गए। ठीक है, आइए सही पेयर को इनमें से मैच कर लीजिए थोड़ा सा। ये भी स्टैटिक का पोर्शन है आपके, ये भी आपके बेटा स्टैटिक का ही पोर्शन है। चलिए, काफी लोग जवाब दे रहे हैं, मेरा नेटवर्क इशू है। मिनिता गुड इवनिंग, लेट नहीं बेटा, तुम बहुत लेट हो गई, अब आराम करो तुम। ठीक है, यूपी, बिहार, एमपी, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना। अरे अनन्या भी है क्या? अनन्या का तो पेपर देखो भैया, कल टॉप यही करने वाली है पूरे क्लास से, मुझे लगता है टॉप यही करेगी भाई, क्योंकि पूरी तैयारी है अनन्या की। अब अनन्या पेपर देने देखो जाएगी। चलिए बिल्कुल, ये ध्यान दीजिएगा सर, ये मैच नहीं है। 24 जनवरी को भैया पोलियो दिवस होता है क्या भाई? मुझे नहीं पता है। देखो 24 जनवरी को एक तो मुझे ये याद है भाई कि उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस है, जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस है जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पोलियो दिवस कब मनाया जाता है सर? पोलियो दिवस मनाया जाता है आपके 18 जनवरी को, 18 जनवरी को ये मनाया जाता है पोलियो दिवस। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और 24 जनवरी को सभी को पता है, बहुत अच्छा, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्या लिख दें या आपको याद रहेगा राष्ट्रीय बालिका दिवस? कोई दिक्कत? ठीक है, अरे नहीं जा रही बेटा, अरे फिर से बेइज्जती, अरे बाप रे बाप, ओहो हो। आइए, राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस बेटा, सर बेइज्जती क्या है भाई, पेपर देना चाहिए। विश्व मौसम विज्ञान संगठन अवस्थित है, क्या पता बेटा चोरी से जाओ पेपर दे आओ, ये भी तो होता है, क्या पता चोरी से जाओ पेपर दे आओ। आइए सुनीता, चलो आप तो वैसे भी क्लास कर रही हो, वैसे मैं पीडीएफ आपको कल वाला आज वाला दोनों भेज दूंगा, और प्लीज आप लोग रिवाइज करके जाना। ठीक है, मैंने जो आपको मार्क कर दूंगा, ये जो 4 पीडीएफ है, 11, 12, 13, 14 वाले, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, चारों पीडीएफ पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने की संभावनाएं। ठीक, आइए बिल्कुल ये ध्यान दीजिएगा सर, ये क्या है सर? ये जेनेवा स्विट्जरलैंड। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट? ये अच्छा क्वेश्चन, आइए भाई बताइए, क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, जो गए वो समझो गए, कहानी खत्म हो गई उनकी, जो जा रहे हैं ठीक है भैया, क्योंकि क्वेश्चन तो फंस जाएगा, तो जैसे दांत ऐसे निकाल के फिर कहोगे अरे सर गलती हो गई थी सर, मैं क्लास नहीं कर पाया था। ठीक है, आइए बताइए, जो जा रहे हैं ना फिर दांत निकाल के कल आएंगे, अरे सर मुझसे गलती हो गई थी सर, सॉरी सर। ठीक है, आइए, 1989 कहाँ पे सर? इज्जत नगर बरेली। ठीक है, याद रखिएगा। आइए बिल्कुल सर, उत्तर प्रदेश। चल, अटाला मस्जिद किस जिले में अवस्थित है? अटाला मस्जिद किस जिले में अवस्थित है ये बताइए आप। ठीक है, बता लोगे वैसे भाई, से घूमने भी गए होगे आप लोग। चलो तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, अभी तो आपका, ठीक है अभी तो 2 दिन ऑफ है आपका, ट्यूजडे से, मंडे को नहीं, ट्यूजडे से आप एकदम प्रिपेयर रहिएगा। ट्यूजडे से आपको मैं पहला टॉपिक डाइजेशन लेके आने वाला हूँ, डाइजेशन टॉपिक रहेगा, एकदम तैयार रहिएगा। रात में आई थिंक या 9 बजे आप तैयार रहिएगा, या फिर आपकी टाइमिंग मैं देख रहा हूँ शाम को 4 बजे। ठीक है, ये कुछ टाइमिंग है, उसी टाइमिंग में आप तैयार रहिएगा। ठीक है, आइए सर, अटाला मस्जिद तो सर जौनपुर में है बेटा, ये तो जानते हो, मतलब मैं कितनी बार गया हूँ, इसी रास्ते होकर जाता हूँ। ठीक है, इसी रास्ते और बेटा कितनी बार जाता हूँ, एकदम घुसोगे जौनपुर में अटाला मस्जिद दिख जाएगा। ठीक है, और एक है अंदर वाला। ठीक है, मतलब क्या यार, मतलब चलो अच्छा, वो तो मैं जाता हूँ ना, आप लोग कहाँ जाते हो? प्रथम भारतीय जिसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? चंद्रशेखर वेंकट रमन, अमर्त सेन, रविन्द्रनाथ टैगोर या हरगोविंद खुराना? बताइए बताइए बताओ भाई, प्रथम भारतीय
चलिए, और आपकी मास्टर क्लास भी मंगलवार से शुरू हो जाएंगी, तो प्लीज आप उसी हिसाब से चीजें तैयार रखिए, ठीक है। चलिए, आपको पता है कब 1913 में इन्होंने गीतांजलि की रचना की थी, सभी को याद है क्या? सभी को याद है कब 1913 में उनको मिला था? किसके लिए सर? गीतांजलि के लिए। 1913 में याद रखिएगा सर, किसको? अगर हम इसको बात करें सर, 1913 में गीतांजलि के लिए मिला था, याद रखिएगा। अब क्या हुआ सर? ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। आपके रविन्द्रनाथ टैगोर बिल्कुल सही, ठीक है। तो घबराना नहीं, मैंने जवाब दे दिया है आपको, ठीक है। कुछ लोग परेशान रहते हैं, अरे सर ये चंद्रशेखर वेंकट रमन कैसे हो गया, ठीक है, याद रखिएगा, टेंशन नहीं लेने का। इनको भैया मिला था, लेकिन 1930 में इनको मिला है भौतिकी के लिए, तो पहले ये नहीं है, ठीक है। मैंने मार्क कर दिया है, ये पहले आपके नहीं है, क्रॉस कर दिया मैंने, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, हमारे रहते हो तो बिल्कुल मत लिया करो। हरगोविंद खुराना की बात करते सर, इनको मिला है लेकिन 1968 में मिला है, तो आप नहीं इनको लेके चलेंगे। अमर्त सेन को मिला है सर, लेकिन 1998 में मिला है, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर को देख लो, सबसे पहले मिला है 1913 में मिला है, तो बिल्कुल डोंट वरी एंड बी हैप्पी। आगे बढ़िए, बताइए बायो मॉडल साइट्स इनमें से कौन से इनका स्टेबल जो मंडल स्थल कौन सा है, ऐसे कह लो, थोड़ा अच्छा नहीं लगा था बायोमंडल लिखना, ठीक है। चलो, कौन होशियार है जो घबरा गए कि अरे सर ये कैसे हो सकता है, कौन होशियार गया? तो देख ले भाई अपने होशियार बच्चों को, ठीक है। मास्टर क्लास की टाइम बेटा, मास्टर क्लास की टाइम मैं ऐसा सोच रहा ना, 4 से 5 मैं सोच रहा कि आपको 5:30 से रख दूं, कोई दिक्कत? 5:30 से अगर रख दे, ठीक है। मतलब आपसे अब टेक्स्ट बुक पे भी नहीं पढ़ाइएगा क्या सर? हे भगवान, एक से एक लोग हैं इस दुनिया में, कैसे किसको समझाओगे, ठीक है। देखिए भाई, आपकी जैसे देखो, अगर मैं 4 से 5 आपकी क्लास लिया, ठीक है, समझिएगा, तो मास्टर क्लास आपकी मैं जब भी लूंगा आपकी, या फिर 5 या फिर बेटा मैं 5:30 रख दूंगा, ठीक है, जिससे आप दोनों क्लास कर सके, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। चलिए, ये ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, भैया बताओ मत, नहीं तो नवनीत तुरंत पहुंच जाएगा, ठीक है, ऐसे नहीं बताओ। नीलगिरी 1986 में सर, ठीक है। नंदा देवी 1988 की बात है, सुंदरवन 1989 की बात है, कंचनजंगा 2000 की बात है, ये। चलिए आगे बढ़े बिल्कुल। हाल ही में हुए युद्ध अभ्यास लेमितिये में भारत के साथ किस देश ने भाग लिया था, बताइए। चलिए, पता चलेगा भैया, पहुंच जाएगा, कहेगा अरे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आओ चाय पीते हैं, बस बिल्कुल याद रखिएगा। अच्छा ये बताओ, आपका स्टैटिक पोर्शन कैसा है? स्टैटिक पोर्शन भी आपको कराना है थ्योरी में कि नहीं? स्टैटिक जीके का पोर्शन थ्योरी में आपको कराना है या नहीं, मुझे एक बार इसका कंफर्म कर देना, ठीक है। बिल्कुल सर, ये सेशन सर, ठीक है। आइए, हाल ही में भारत के सबसे भरोसेमंद ब्रांड का सम्मान निम्न में से किसे दिया गया है, बताइए। किसे ट्रस्टेड ब्रांड, इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड किसे दिया गया? रिलायंस जियो, भारत पे, टीसीएस, साइफोस। सोच समझ के बताइएगा, ठीक है, गलत मत करना, ये करेंट का क्वेश्चन है, तो कृपया सोच समझ के बताइए, ठीक है। बेटा साइबर सिक्योरिटी कंपनीज है ये, ठीक है, डिजिटल फॉरेक्स एंड साइबर सिक्योरिटी कंपनीज करके है ये, इसका नाम है बेटा, कि सभी ने गलत दिया है, यही पढ़ाई है, कल पेपर है तुम लोग का, अरे जाओ बेटा क्या करोगे तुम लोग, ठीक है। साई फोर्स है बेटा, किस दुनिया में हो तुम, किस दुनिया में हो, ठीक है, ऐसे ही पढ़ाई होगी, मार के आना। अरे सोना बेटा झूठ है, इतना मेहनत कर रही हो बेटा, झूठी मेहनत कर रही हो ना तुम, ठीक है। आइए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का नया महानिदेशक निम्न में से किसे बनाया गया है? Who among the following has been appointed as the new director general of the International Labour Organization? ठीक है, ठीक है, नहीं सुनीता बेटा बफरिंग तो नहीं है, सुनीता बेटा कोई बहाने नहीं चलेंगे, पेट क्लास में तो बेटा आना ही है, ठीक है, बिल्कुल आइए बिल्कुल। चलिए सर, गिलबर्ट होंगबो है, सर गिलबर्ट होंगबो है, आइए। मेरा नेट नहीं चल रहा दिव्या बेटा, तब आराम कर लो, अब नहीं चल रहा तो आइए। राष्ट्रीय जल पुरस्कार
2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में निम्न में से किसे चुना गया? आई, अरे बफरिंग नहीं है भेगा, भैया मेरा, बच्चा मेरा, बाबू, बफरिंग नहीं है। हेवी ड्राइवर, तो भैया फंसेगा भी तो हेवी ड्राइवर में से। आइए, तो बेटा सोना तुम देखती कब हो? तुम तो कभी क्लास में मुझे दिखती नहीं हो, तो देखती कब हो बेटा? आइए, बिल्कुल ये ध्यान दीजिएगा, नेशनल वाटर अवार्ड 2022 सर उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सर, किसको? सर उत्तर प्रदेश को चुना गया। आइए, निम्न में से किसे हाल ही में भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार दिया गया? Who among the following was recently awarded the best private hospital in India? बताओ। तो समझ के बताना, ये वही अस्पताल है जहां अभी हाल फिलहाल जल्द में किसका निधन हुआ है, ठीक है? अभी आपके मुलायम सिंह यादव जी का अभी हाल फिलहाल निधन हुआ है, गुरुग्राम अस्पताल, गुरुग्राम में मेदांता अस्पताल में, ठीक है? ये याद रखिएगा, अभी वहीं से तो भी हुआ है, मेदांता में तो भी हुआ है शायद उनको, ठीक है? चलिए, जिसे मेरा एग्जाम था इसलिए सर आपकी क्लासेस स्किप कर दी, बट अब से ले, अब से बेटा क्या, आप तो कल पेपर है, ठीक है? अब से तो थ्योरी स्टार्ट करेंगे मंगलवार से, करना होगा तो आ जाना, ठीक है? चलिए, सुमंत सिन्हा को हाल ही में निम्न में से किस संस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बताइए, सुमंत सिन्हा हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स? नाबार्ड, इफको, सेबी या एसोचैम? बताइए, बताइएगा। चलिए, बिल्कुल सर, ये कहां पे? सर ये एसोचैम है बेटा, क्यों इतना गलत कर रहे हो बेटा? करंट अफेयर्स तो नहीं चल रहा है बेटा, साइंस चलेगा मंगलवार से, ठीक है? करंट अफेयर्स का तो कोई भी बात नहीं है। आइए, पेस्टास्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का उद्घाटन हाल ही में कहां किया गया है? बेटा ये 50 जीके जीएस के क्वेश्चन है, ठीक है? जस्ट इनको डिवाइड किया हूं, पांच क्वेश्चन में इसको डिवाइड किया हूं बेटा, ठीक है? आइए, बिल्कुल सर, आपका पेटास्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का उद्घाटन हाल ही में कहां किया गया? बिल्कुल सर, ये आईआईटी खड़गपुर में किया गया। कहां पे? आईआईटी खड़गपुर में किया गया, ठीक है? ऑस्कर 2022 समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया? ऑस्कर 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, कोई बात नहीं बेटा, नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, ठीक है? सुशांत सर है ना, पढ़ाएंगे, काहे परेशान हो, ठीक है? अब आपका जो भी पेपर होगा आप टारगेट लेके चला जाएगा, आगे के जो भी आपके 3 महीने बाद एग्जाम होंगे, ठीक है, उनको टारगेट लेके चला जाएगा, जो भी आपके आगे का पेपर होगा, ठीक है? चलिए, कौन जीता है? अरे सर किसने, अरे सर ये कोडा ने जीता है, कोडा, ठीक है, विल स्मिथ। आइए सभी का रहा जवाब, थप्पड़बाज भैया तुम लोग का, ये तो हम समझ ही नहीं पाते ना, खतरनाक खतरनाक, ठीक है? आइए, निम्न में से किसे मालदीव सरकार द्वारा स्पोर्ट्स आइकन उपाधि से सम्मानित किया गया? बताइए, किसे मालदीव सरकार द्वारा स्पोर्ट्स आइकन उपाधि से सम्मानित किया गया? सोना बेटा, आज तक हमने बहुत बच्चे देखे लेकिन तुम्हारे इतना होशियार नहीं देखा किसी, कितनी अच्छी बात बताइए, ठीक है? आइए, सर उन्होंने थप्पड़ मारा था होस्ट को कि बीवी को, अच्छा ये बात है क्या, ठीक है, बिल्कुल सर ये सुरेश नैना रहना थे, ठीक है? निम्न में से कौन हाल ही में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले प्रथम पैरा एथलीट बन गए? ठीक है, देखो कितनी होशियार बच्ची है, क्लास भी नहीं करना है लेकिन कैसे, सर मैं क्लास में रहूंगी लेकिन सर कमेंट नहीं करूंगी, ठीक है? कितनी देखो समझदार बच्ची है, ठीक है भाई, बहुत समझदार बच्चे हैं, अब तो बच्चे भी इतने समझदार होने लगे हैं भाई, क्या बोलोगे? आइए, कौन हाल ही में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले प्रथम पैरा एथलीट बन गए? बताइए। चलिए,
बिल्कुल सर, देवेंद्र झाझरिया है। ठीक है, देवेंद्र झाझरिया है। कल का पेपर बढ़िया से देना, ठीक है, पहले ही सभी को बता देना भैया। विशेज यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, चलिए। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ, ठीक है, रूट, कौन सा रूट नहीं है। चलिए दिव्या बेटा, तुम आराम करो, तुम्हारा बफ हो रहा है। एक जड़ नहीं है, कौन सी एक जड़ नहीं है। ठीक है, बताइएगा। जड़ नहीं है, सोच समझ के बताओ, नहीं तो तुम्हारी जान ले लिया जाएगा। ठीक है बेटा, कल पिट का पेपर है ना, पिट वाले बच्चों का पिट का पेपर है। ठीक है, बिल्कुल, तुम लोग का जान लेने लायक ही हो तुम लोग बेटा। बेटा ये तना होता है। ठीक है बाबू, आइए। निम्न में से विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन के अमंग द फॉलोइंग, बताओ। टोकोफेरॉल, नेप्थोक्विनोन या कैल्सीफेरॉल, बताओ भाई। बेटा अभी तो कल पेपर है तुम्हारा, पहले हो गया क्या सोना, अभी तो कल है तुम्हारा पेपर। आइए, बिल्कुल ये सर नेप्थोक्विनोन है, आपको पता है सर, विटामिन के नेप्थोक्विनोन, याद रखिएगा, बहुत अच्छे। और इसी पे एक और नाम है इसका, फाइलोक्विनोन भी कहते हैं इसको, उसको फाइलोक्विनोन भी कहा जाता है। ठीक है भाई, निम्न में से किसका उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है। चासीस परसों है आपका, ओके, कमलेश का परसों है, ठीक है, ओके। अच्छा, डेली पुलिस का बेटा, कैसा गया पेपर सुना, सिर्फ 5 अटेम्प्ट किया। अगर बेटा क्लास की होती ना, पक्का बता रहा हूँ क्वेश्चन फंसे गए होते, लेकिन क्या है कि तुम्हें पढ़ना तो है नहीं। चलिए आइए, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, किसका उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है भाई। सिंपल सी बात है सर, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए भाई। मायोफिया से ग्रसित व्यक्ति को सिर्फ पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं भाई। बिल्कुल सर, क्योंकि सर जाहिर सी बात है इसका नाम होता है नियर साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष, लेकिन काम उल्टा करता है। निकट की चीजें पास दिखती हैं, दूर की चीजें पास नहीं दिखती हैं। ठीक है, अच्छा आप बताइए, अगर हम बोले कि सर एक बात बताओ, अ पर्सन विथ मायोपिया कैन सी ऑब्जेक्ट्स नियरली क्लियरली। दूसरा, इन ऑर्डर टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द रेट, ठीक है, ग्लासेस विथ कॉन्केव लेंस हैव टू बी वॉर, क्या कॉन्केव ग्लासेस का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सर, दोनों के दोनों आपके सही हैं, क्योंकि आपको पता है मायोपिया में हम कॉन्केव का यूज करते हैं निगेटिव, और आपके हाइपरमेट्रोफिया में आपका कॉन्वेक्स का यूज करते हैं पॉजिटिव। आइए सेशन को सभी लोग लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और ये पूरी प्रैक्टिस एक बार आप कर लें, बड़ा कारगर है आपके पिछले लास्ट 4 जो सेट है ना, बहुत कारगर है। जिन व्यक्तियों को कम सुनाई देता है वो श्रवण सहायक यंत्र के रूप में किसका उपयोग करते हैं, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, किसका उपयोग करते हैं। अरे सर इतना आसान, सर ऑडियो फोन का उपयोग करते हैं। ठीक है, आइए, निम्न में से अर्थव्यवस्था के 8 मूल उद्योगों में शामिल नहीं है, कौन सा शामिल नहीं है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के 8 मूल उद्योगों में, बिल्कुल सर, कोल, फर्टिलाइजर, सीमेंट या एग्रीकल्चर। सर ये आपका एग्रीकल्चर शामिल नहीं, कृषि शामिल नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, ग्रीन बॉक्स, अंबर बॉक्स और ब्लू बॉक्स, सब्सिडी आदि शब्द किसके लिए संबंधित है, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है जो आपको मतलब एक लगेंगे, एक लेवल आपको टच करा देंगे। आइए बताओ, चलिए बताइए। आपको पता है सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली ये सब्सिडी है, इसको पता है विश्व व्यापार संगठन द्वारा सकल सहायता व्यवस्था प्रदान की जाती है। ठीक है, तो सर ये क्या हो गया, बिल्कुल WTO, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है WTO। ठीक है आइए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब से की गई, बताइए कब से की गई, ये पूछा गया है, फसल बीमा की शुरुआत कब से की गई। आइए, अच्छा क्वेश्चन है सर, पेट के बाद सीधा जॉब है क्या। सोना बेटा, अभी पेट तो पहला पड़ा हो, उसके बाद तो बेटा कहानी ही कहानी है, टेंशन ना लो। ठीक है, इतनी सीधी से अगर तुम्हें नौकरी मिल जाएगा तो बेटा उसका कैसे तुम्हें मजा आएगा।
भाई नौकरी का मजा तो वही है जब स्ट्रगल करके लो, ठीक है। चलिए सुनीता बेटा, जो आप एसएससी का जॉब निकालने के बाद सेंट्रल में पाते हो ना, वही आप यूपी SSSC का जॉब निकालने के बाद स्टेट गवर्नमेंट में पाते हो, बस यही अंतर है, ठीक है। और इसमें क्या है कि जैसे आप अलग से CGL देते हो बड़े बड़े पोस्टों के लिए 2800 2200, यहाँ पे UP SSSC आपके सभी के लिए है। जैसे आपको कांस्टेबल भी भरना है अगर 2000 ग्रेड पे, तो आपको यूपी कांस्टेबल का हटा के बाकी जैसे आप जैसे वन रक्षक हो गया ये सब, वो 2000 ग्रेड पे, वो आप इसी से भरोगे। कांस्टेबल की वैकेंसी अलग आती है। लेकिन आपके जैसे दिल्ली में क्या है, मतलब जैसे आपका सेंट्रल में क्या है कि आप अगर यूपी, जैसे आपको पुलिस की वैकेंसी अलग है, वो SSC CPO कराएगी, SSC GD कराता है, वो अलग कराता है। बाकी के लिए देखिए आपका CGL होता है, क्लरिकल के लिए आपका स्टेनो होता है, यहाँ पे क्लरिकल के लेके अधिकारी तक का आपका एक पोस्ट होता है, ठीक है, 4200 ग्रेड तक का। बाकी कांस्टेबल कॉन्स्टेबल के एग्जाम अलग कराते हैं, सेम वही चीज है, ठीक है। आइए, भारत में सेवा क्षेत्र में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है, कौन सी सम्मिलित नहीं है सेवा क्षेत्र में, बताइए। सेम है, ये स्टेट का है, वो सेंट्रल को होता है SSC। आइए चलिए, बिल्कुल ये ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सर्वानिकी और मात्स्यिकी, बिल्कुल सर, नॉट इंक्लूडेड इनमें से कौन सा सेवा क्षेत्र में, बिल्कुल सर, ये तो प्राइमरी सेक्टर में आ जाएंगे आप, ठीक है। निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना PC महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी, प्रथम द्वितीय चतुर्थ या छठी। PC महान नोबिस भाई बहुत ही सिंपल, ठीक है, पहला हेराल्ड डोमल और दूसरा आपको पता है महान लोबिस मॉडल पे चलती थी। पुनित लगता है जिंदा है क्या पुनित, अच्छा दिख तो रहा है, ठीक है। हाँ बेटा कोई भी दे सकता है, 18 साल की उम्र होनी चाहिए, ठीक है, और 40 साल भी नहीं होनी चाहिए, 40 साल तक ठीक है, उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता समता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं, बताइए। संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता समता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं, ये बताना है। आइए, बिल्कुल भैया ये सारी चीजें आपको पता, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया, फ्रेंच फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, ठीक है। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था है, बताइए। रीजनल काउंसिल्स हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड इन, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा आपके अधिनियम बनाकर, राज्य विधानमंडल द्वारा या केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, बताइए। हाँ बेटा यूपी का, तो यूपी में दिया जाएगा ना। आइए चलिए, बिल्कुल सर, रीजनल काउंसिल्स की बात हो रही है, संसद द्वारा अधिनियम बनाकर, ठीक है। आइए नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए उम्मीदवार को कम से कम कितने प्रस्तावक और अनुमोदक की आवश्यकता होती है, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है ये, बताइए उपराष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए उम्मीदवार को कम से कम कितने प्रस्तावक और अनुमोदक की आवश्यकता होती है, ठीक है। और आपका मंगलवार से क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, थ्योरी क्लास रहेगी, स्टार्ट किया जाएगा साइंस से, उसके बाद साइंस कंप्लीट करते करते फिर आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सारी चीजें कंप्लीट कराई जाएंगी। मतलब एक बार अगर आप पूरी क्लास से देख लोगे ना, जितने भी दिन का कोर्स है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरा आप देखिए, ठीक है। आइए, बिल्कुल सर, 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक होते हैं, ठीक है। आइए, धन विधेयक को पुनः स्थापित किया जाता है, कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाई बिल, मनी बिल। मनी बिल आप सभी को पता है सर, ओनली इन लोकसभा, कहाँ पे सर, लोकसभा में आपको ये भेजा जाता है, ठीक है। अवान गुड इवनिंग बेटा, अवान अब आराम करो जी। संविधान के किस अनुच्छेद में नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, ये याद रखिएगा नागालैंड के, इसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बताता, लेकिन चलिए अब इसके लिए आपको बहुत तगड़ा है, इसके लिए ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। आइए बताओ, बिल्कुल ये याद रखिएगा, ठीक है सर, 371 के क में दिया गया ये, ठीक है। आपको पता क्या है, नामा डैश स्मैग के, ठीक है, नामा डैश स्मैग के। अब ये जब भी आए आप आराम से बैठा के लगा ले, डैश मतलब ये खाली है, ठीक है। चलिए बिल्कुल याद रखिएगा, बिल्कुल सुशांत सर टेस्ट बुक टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ें, ठीक है, PDF मैं भी भेज दूंगा थोड़ी देर बाद। CDS CAPF एफ कैट की तैयारी आप कर सकते हो हमारे साथ, मॉक टेस्ट स्टडी नोट्स, ठीक है, ये सारी चीजें आपको दी जा रही हैं,
11,000 से ज्यादा सिलेक्शन भी आपको दिए जा चुके हैं, ठीक है, और 6,665 रुपए में ये सुशांत कोड का आप यूज करके, और हाँ 35% ऑफ और भैया 12+12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है, तो ये ले बेनिफिट आपको होगा, ठीक है। बिल्कुल 10 से अधिक लैंग्वेजेस में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, टेस्ट भी दे सकते हैं। सभी को धन्यवाद। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी, ठीक है, मंडे को तो आपके सेम टाइम पे मैं रखता हूँ, ठीक है, 9:30। उसके बाद की टाइमिंग मैं आपको टेलीग्राम पे या बता दूंगा, आई थिंक शायद 4 बजे मैं रखूंगा क्लास, या रात में 9 बजे, ठीक है, जैसा भी रहेगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू टू ऑल, ठीक है, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। एंड भैया एक बार आप सभी पिट अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, पेपर अच्छे से दीजिएगा, ठीक है, पेपर अच्छे से देना, मस्त मजे में देना। बाय बाय एंड थैंक यू टू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।